गांधीनगर के ग्रीन बेल्ट पार्क इलाके में घुसाए तेंदुए को आखिरकार 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर लिया गया। तेंदुए को ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश किया गया और फिर जाला डालकर पकड़ लिया गया। तेंदुए के हमले में 2 वन्यजीव कर्मियों समेत 3 लोग घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चम विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सुरेश शर्मा द्वारा बूथ प्रधानों को सम्मानित किया गया और उनके घर में नेम प्लेट लगाई और भाजपा का झंडा फहराया। बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन भी सुना। वहीं इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सुरेश शर्मा ने सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के डिग्री कॉलेज में कोरोना के चलते सावधानी बरती जा रही है। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरा ख्याल रखा गया है। डिग्री कॉलेज पुंछ के प्रिंसिपल प्रोफेसर मुशरफ शाह ने डिग्री कॉलेज पुंछ में SOP की गाइडलाइंस जारी कर दी है। उनका कहना है कि कोई भी स्टूडेंट बिना मास्क के नहीं घूमेगा, अगर कोई बाहर से आता है तो वो मास्क पहनकर ही अंदर आए। जम्मू नगर निगम के जनरल हाउस की बैठक हंगामेदार रहने के आसार है। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन शुरू नहीं होने पर नगर निगम प्रशासन को घेरने के साथ माई टाउन माई प्राइड के तहत आए पैसों का हिसाब भी मांगा जाएगा। इतना ही नहीं, जब से नगर निगम एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है तब से फाइनेंस कमेटी की कोई भी बैठक नहीं होने पर भी सवाल उठाए जाएंगे। इतना ही नहीं, शहर विकास कार्यों में भाई भतीजावाद और विकास कार्यों की धीमी गति के खिलाफ भी नगर निगम को घेरा जाएगा। बढ़ते नक्सलवाद को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने गांधीनगर में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार नक्सलवाद से निपटने में नाकाम रही है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया। प्रदर्शन की अध्यक्षता राष्ट्रीय बजरंग दल के जम्मू कश्मीर प्रधान राकेश बजरंगी ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार हो या पहले की केंद्र सरकारें हो, सभी ही नक्सलियों को दबाने में नाकामयाब रही है। इससे देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ हमले के बाद नक्सली जम्मू निवासी CRPF जवान राकेश्वर सिंह मनास को अगवा करके ले गए। नक्सलियों की कैद में CRPF का जवान राकेश्वर सिंह मनास जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। परिवार सदमे में है। नक्सलियों के कब्जे में राकेश्वर के होने की सूचना मिलते ही उनके आवास पर शुभचिंतकों का जमावड़ा लग गया है। सुरक्षा बलों के साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं तथा रिश्तेदारों व आस पड़ोस के लोगों ने पहुंचकर सांत्वना दी। राकेश्वर की मां, बहन और पत्नी भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि वो सकुशल घर लौट आए। उनकी पत्नी मीनू चिप का कहना है कि शनिवार 3 मार्च को अंतिम बार पति से बात हुई थी। दिल्ली में तेजी से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया है कि 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है। मुंबई स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हेड ऑफिस को एक मेल प्राप्त हुआ है। उसमें लिखा गया है कि आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मार दिया जाएगा। मेल में लिखा गया है कि किसी धार्मिक स्थल पर दोनों नेताओं पर हमला किया जाएगा। मेल आने के बाद से CRPF दफ्तर में हड़कंप मच गया है। CRPF समेत अन्य एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार दरबार मूव का रिकॉर्ड सिर्फ 10 ट्रकों में जाएगा। पहले ये संख्या 180 होती थी। जम्मू कश्मीर में 15 अप्रैल से सचिवालय में ई ऑफिस व्यवस्था कायम होने से फाइलों के बोझ से निजात मिल जाएगी। जम्मू में 30 अप्रैल को दरबार बंद हो रहा है, इसलिए इस बार दरबार मूव में फाइलों के भारी भरकम रिकॉर्ड को श्रीनगर ले जाने के लिए सैकड़ों ट्रकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ गोपनीय व महत्वपूर्ण फाइलों को ही श्रीनगर लेने के लिए 10 ट्रकों की जरूरत होगी। इस व्यवस्था से सरकार के करोड़ रुपए की बचत होगी। पहले दरबार मूव पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होता था।
जिला रियासी के सियाड बाबा धार्मिक स्थल पर बीते 2018 को एक बड़ा हादसा हो गया था। भूस्खलन होने से दर्जनों लोग इस मलबे में दब गए थे। ये घटना में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 32 लोग इस हादसे में घायल हुए थे। तब से आज तक किसी भी यात्रीगण को अनुमति यहां आने की नहीं दी गई थी, लेकिन अब काम फिर से चल रहा है। जिला प्रशासन की पहल से अब यात्रीगण झरने के नीचे स्नान कर सकते हैं।